कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने को लेकर भारत सफलता के बेहद नजदीक पहुंच गया है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोरोना की वैक्सीन के फर्स्ट और सेकंड स्टेज के ह्यूमन ट्रायल को मंजूरी दे दी है। वैक्सीन का ट्रायल आज से शुरू होगा। कोरोना की इस वैक्सीन को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने साथ मिलकर बनाया है। भारत बायोटेक ने कोरोना की इस वैक्सीन को कोवैक्सीन का नाम दिया है। बनने वाली है मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन। प्री क्लिनिकल ट्रायल के नतीजे रहे पॉजिटिव। वैक्सीन का आज से ह्यूमन ट्रायल होगा शुरू। कोरोना के खिलाफ लड़ी जा रही लड़ाई में भारतीय वैज्ञानिक उस विकल्प के बेहद नजदीक पहुंच गए हैं जहां से किलर कोरोना को खत्म किया जा सके। कोरोना पर लगाम लगाने के लिए दुनिया भर के डॉक्टर और वैज्ञानिक लैब में वैक्सीन बनाने में जुटे हैं। अमेरिका, इटली, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, जर्मनी, रूस की लैब्स में दिन रात काम हो रहा है, लेकिन इस रेस में हिंदुस्तान सबसे आगे निकल गया है। कोवैक्सीन को बना रही भारत बायोटेक का दावा है कि वैक्सीन के प्री क्लिनिकल ट्रायल के नतीजे बेहद शानदार रहे हैं। डीजीसीआई यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोवैक्सीन को फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज के ह्यूमन ट्रायल की मंजूरी दे दी है। ये ट्रायल आज से शुरू होगा। भारत बायोटेक ने इस वैक्सीन को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ मिलकर बनाया है। इस दवा को ICMR और NIV के सहयोग से बनाया जा रहा है, इसीलिए कंपनी को ह्यूमन ट्रायल के लिए मंजूरी देने की प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है। भारत बायोटेक की तरफ से बनाई जा रही कोवैक्सीन को लेकर सरकारी एजेंसियां भी बेहद उत्साहित नजर आ रही हैं। हमें ये बताते हुए काफी गर्व हो रहा है कि भारत बायोटेक ने ICMR और पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ मिलकर कोवैक्सीन डेवलप किया है। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि वैक्सीन को भारत बायोटेक ने तैयार किया है। अब हम भारत में इसका क्लिनिकल ट्रायल करने जा रहे हैं। किसी भी दवाई की टेस्टिंग के तीन चरण होते हैं। पहले चरण में वैक्सीन की लैब में टेस्टिंग होती है, दूसरे चरण में वैक्सीन का जानवरों पर टेस्ट किया जाता है, जबकि तीसरे और आखिरी चरण में ह्यूमन टेस्टिंग होती है। इस वैक्सीन को दो चरणों से गुजारा जा चुका है और इन दोनों चरणों में ये वैक्सीन सफल और सुरक्षित पाई गई है, जिसके बाद अब इस वैक्सीन को तीसरे चरण में टेस्ट किया जाएगा। तीसरे चरण को भी तीन फेजेस में किया जाता है। पहले फेज में कुछ लोगों को इस ट्रायल में शामिल किया जाता है, दूसरे फेज में लोगों की संख्या को बढ़ाया जाता है और तीसरे फेज में ये पता लगाया जाता है कि आखिर कितनी खुराक उस वैक्सीन की दी जाए। मंगलवार को ही पीएम मोदी ने कोरोना के वैक्सीनेशन पर एक हाई लेवल मीटिंग की थी। मीटिंग में पीएम ने अधिकारियों से कहा है कि भारत की बड़ी आबादी को देखते हुए वैक्सीनेशन प्रोग्राम को तेजी से आगे बढ़ाया जाए। पीएम मोदी ने कहा है कि पहले स्टेज में उन लोगों में वैक्सीनेशन किया जाना चाहिए जो कोरोना के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन पर हैं, जैसे डॉक्टर्स, नर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स और दूसरे नॉन मेडिकल कोरोना वॉरियर। दूसरे स्टेज में वैक्सीन उन सभी लोगों को प्रोवाइड करवानी होगी जिसे इसकी जरूरत है। थर्ड स्टेज में ये सुनिश्चित करना होगा कि वैक्सीन सबको मिले और अफोर्डेबल दाम पर मिले। और चौथे स्टेज में इस बात का ख्याल रखना होगा कि वैक्सीन के प्रोडक्शन प्रोसेस की सही तरीके से तकनीक के सहारे मॉनिटरिंग हो। इस तरह के निर्देश तभी दिए जाते हैं जब वैक्सीन का ट्रायल एडवांस स्टेज में हो। हालांकि वैक्सीन बनाने के दौर में भारत अकेला नहीं है। ब्रिटेन में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू हो गया है। ये वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल के स्टेज में सबसे आगे थर्ड फेज में है। 2000 लोगों पर ह्यूमन ट्रायल के नतीजे जुलाई के अंत तक आ जाएंगे। अमेरिका में बन रही कोरोना वैक्सीन अभी फेज टू में है, तीसरे फेज का ट्रायल बाकी है। चाइनीज वैक्सीन भी ह्यूमन ट्रायल के फेज टू में है। वैक्सीन का चीन और कनाडा में
ह्यूमन ट्रायल चल रहा है। जुलाई अंत तक फेज टू के रिजल्ट आएंगे, फिर फेज थ्री शुरू होगा। दुनिया कोरोना के जाल में फंसी है। कोरोना रोज लोगों की जान ले रहा है। इन सब के बीच मेड इन इंडिया वैक्सीन का आज से ह्यूमन ट्रायल शुरू होना बड़ी बात है। उम्मीद है भारतीय वैज्ञानिकों की मेहनत रंग लाएगी और हिंदुस्तान कोरोना की वैक्सीन बनाने वाला पहला देश होगा।